मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले अपने मित्र के साथ एनआरआई के लिए। एक हमारे मित्र ने हमसे भी पूछा कि आपने इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड में बहुत स्ट्रैटेजी बताई, सब कुछ बताया, आपने अभी तक ये बताया ही नहीं कि एक एनआरआई कब इन्वेस्ट कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, अगर यूएस और कनाडा का है तो उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, साथ के साथ रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करने के क्या प्रोसीजर्स हैं, टैक्स क्या है, एनआरई एनआरओ अकाउंट क्या होता है। तो ये समझने के लिए आज हम पूरी चीज़ इसी पर बात करने वाले हैं। आप कह सकते हैं कंप्लीट गाइड की हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इंडिया में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले हैं और आप एनआरआई हैं, उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आप कनाडा और यूएस के हैं तो आपके लिए कुछ अलग चीज़ें हैं। तो आज हम अपने मित्र से समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पुराने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और हमें ये थोड़ा बहुत इनसाइट और ज्ञान देते रहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एनआरआई इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है हर एनआरआईज के लिए कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड में। तो इसका बहुत ऑब्वियस आंसर है, वो कर सकते हैं, बस उन्हें कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करना है और वो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। चलिए, पहली चीज़ कि हम एनआरआई हमारे जो मित्र हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन, जिन्हें देखा गया है कि एनआरआई के अपने दो तीन अकाउंट होते हैं, दो तीन तरह के होते हैं, कैसे? एक तो एनआरआई अकाउंट होता है, एक एनआरओ अकाउंट होता है और एक सेविंग अकाउंट भी होता है। सेविंग अकाउंट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप TCS, इन्फोसिस, विप्रो में काम कर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही गए हैं तो आपका सेविंग अकाउंट भी एक्टिव ही होगा। तो पहला, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, किस अकाउंट से करना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कोई भी एनआरआई वो तभी इन्वेस्ट कर सकता है जब उसके पास एक एनआरई अकाउंट है या एनआरओ अकाउंट है। कहने का मतलब है वो आइदर एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट। इसमें क्या डिफरेंसेस है, कुछ बताएंगे? बिल्कुल, एनआरई अकाउंट बेसिकली ये है, इसे कहते हैं कि अगर आप फॉरेन करेंसी में जब अपने पैसे को कन्वर्ट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं जहां पर रहते हैं, तो आप एनआरई अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। एनआरओ अकाउंट वो होता है जो नॉन रिपेट्रिएबल होता है, उसको आप फॉरेन करेंसी में अपना नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, वो पैसा नॉर्मली आपके एनआरओ अकाउंट में लाई करेगा। चलिए, ये हमारे पुराने बैंकर भी हैं, SDFC में काम कर चुके हैं, खैर इसलिए इनको कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है, मुझे उतना एनआरई एनआरओ का अकाउंट मुझे पता नहीं है, हम टैक्स के पॉइंट से देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके ऐसा तो है नहीं कि हम पैसा लेके आए हो जाएगा, हमें डीमैट अकाउंट खोलना होगा, तो डीमैट अकाउंट खोलने का तरीका क्या है? नहीं, मैं आपको ये बोलूँगा डीमैट अकाउंट ओपन करना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसमें ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने, मतलब KYC करने की बात करें, डीमैट ना करके KYC कैसे करें? बेसिकली आपका KYC वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है, अगर आप KYC वेरीफाइड हैं तो फिर आप ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप KYC वेरीफाइड नहीं है तो आपको KYC वेरिफिकेशन अपना डन करना पड़ेगा, वो फिजिकली करना पड़ेगा। तो अच्छा, KYC फिजिकली ठीक है, लेकिन KYC में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मुझे? हाँ, KYC में डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं बेसिकली आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका फॉरन नहीं होगा तो NRI होगा भी नहीं ऐसे। बिल्कुल ठीक है, जो आपको डॉक्यूमेंट देना है बेसिकली KYC में, ठीक है, फॉरन रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए आपके पास, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के स्टैम्प करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंडियन एक पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, दो पासपोर्ट साइज फोटो और एक नॉर्मल KYC का फॉर्म होता है, वो आपको फिल करके सबमिट करना होता है। यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके पास पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ में इंग्लिश में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका एड्रेस इंग्लिश में नहीं है तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है, एक नया KYC फॉर्म भी आया हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, FATCA, राइट? बिल्कुल, फटका। फटका बड़ा अजीब सा नाम है, फटका, लोग इंडिया में बोलते हैं फटका दे दिया है। तो खैर, ये जो फटका है इसका क्या यूज़ है और क्यों, क्या मतलब है इसका? इसका बेसिकली फुल फॉर्म अगर बोलते हैं फॉरेन अकाउंट टैक्सेशन कॉम्प्लायंस एक्ट है। ये अभी कुछ टाइम पहले ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। ये हर उन फॉरेन अकाउंट होल्डर्स के लिए है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अपना सारा डिक्लेरेशन एग्जैक्टली उसमें देना पड़ता है इस फॉर्म के जरिए। तो एक और चीज़ है कि जो फटका आने से थोड़े से कंप्लायंसेज हमारे यूएस और कनाडा के लिए बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, जो अभी हम कुछ देख रहे थे, पढ़ रहे थे कुछ आर्टिकल, उसमें बताया गया कि फटका आने के बाद बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस थे जिन्होंने मतलब यूएस और कनाडा के लिए स्पेसिफिक कुछ प्रोविजंस कर दिए। यानी कि आज के डेट में एक चीज़ और समझ लें कि जो सारे म्यूचुअल फंड है उसमें आप अगर यूएस और कनाडा के हैं तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं? ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस है, बहुत लिमिटेड AMC है। AMC 28 है आज के डेट में इंडिया में, अप्रॉक्सिमेट 28-29।
इस सब में तो हम कर नहीं सकते। नहीं, इसमें आप कर सकते हैं, कुछ एक लिमिटेड एमसी जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, वही कि एसबीआई है आपका, एलएनटी है, सुंदरम है, आईसीआईसीआई है, डीएचएफएल है, यूटीआई है, ये सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए, यानी कि इस तरह के म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, आप वहाँ पे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टैक्स की। बिल्कुल, तो पहली चीज़, इस पर टीडीएस तो कटेगा नहीं, कुछ केसेस को छोड़ के टीडीएस तो कटना नहीं है। टैक्स के प्रोविजंस, ये तो देखो, ये तो मेरा काम था टैक्स का बताना, ऑलरेडी हमने टैक्स पर बहुत कुछ बना रखा है, लेकिन फिर भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि टैक्स का क्या है, टैक्स का क्या मतलब तरीका है, क्या परसेंटेज, एक बार जरा उसको बताएंगे। बेसिकली टैक्सेशन इसमें वही जैसे इंडियन रेसिडेंट्स के लिए है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग होता है, डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग होता है। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन वन ईयर का है तो उस पर आपको 15% फ्लैट टैक्स पे करना है अपने कैपिटल गेन के ऊपर। यानी कि शॉर्ट टर्म पे 15% फ्लैट इक्विटी म्यूचुअल फंड में, लॉन्ग टर्म पे 10%, लॉन्ग टर्म में 10% अगर वो मोर देन 1 लाख आपका कैपिटल गेन है, यानी कि 1 लाख तक कोई टैक्स देने की आपकी जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक बार इंडेक्सेशन और नॉन इंडेक्सेशन की भी जरा बताएंगे कि क्या है उसका, किस तरह की चीजें होती हैं। डेट म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होता है, अगर आप डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर लेस देन 3 ईयर आपका इन्वेस्टमेंट है और आपका उसमें कैपिटल गेन है तो उसमें आपको 30% फ्लैट टैक्स पे करना है, मोर देन 3 ईयर्स है तो वो आपको 20% विद इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन आपको पे करना है, विच एवर इज लोअर फॉर द कस्टमर। यानी कि मैं सिंपल बताऊं कि इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कम किया जाता है, यानी कि अगर आपने 2 साल पहले खरीदा हुआ है तो एक बेस ईयर आपको दिया जाता है, उस बेस ईयर के हिसाब से आप उसको इन्फ्लेट करके अपने टैक्स को रिड्यूस कर लेते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, रिडम्शन कैसे करें, सब तो बता दिए, रिडम्शन का क्या तरीका है? रिडम्शन बहुत ही नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, इंडियन रेजिडेंट्स के तरीके से आप रिडम्शन डालते हैं जिस बैंक से आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट, मतलब जो भी रजिस्टर्ड अकाउंट है आपके उस फोलियो में, उस इन्वेस्टमेंट में, उसमें आपका पैसा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा विद इन द लिमिटेड टाइम। यानी कि रिडम्शन के लिए हमें बहुत हेडक लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। ये हमेशा एक मतलब मेरे मित्र कहते हैं कि यार बहुत दिक्कत है रिडम्शन में, ये होता है, आज के डेट में रिडम्शन बहुत आसान हो गया है और उसमें कहीं परेशान होने की आपको जरूरत भी नहीं है, इजीली आप रिडीम मतलब जो भी रिडम्शन है आई थिंक 48 आवर्स के अंदर आपका पैसा भी आ जाता है, T+3 होता है बेसिकली, 3 वर्किंग डेज में आता है आपका पैसा। तो यानी कि अगर आप देखें तो हमने म्यूचुअल फंड के जो भी बेसिक एक रिक्वायरमेंट थी कैसे फॉरनर जो स्पेशली हम ये एनआरआई के लिए बात कर रहे हैं और किसी के लिए बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि ये जनरल हमारा है, ये हमारे केवल एनआरआई मित्रों के लिए है। तो अगर हम ये देखें तो हमने जो भी हमारे पॉइंट हम उसको कंसिडर करने की कोशिश किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट हमसे मिस कर गया तो आप कॉमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई देंगे। अदरवाइज अगर आपको किसी और तरह की परेशानी हो या कोई और आप एडवाइस लेना चाहें तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ज्ञान है, लेकिन उस लिमिटेड ज्ञान में हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट एडवाइस दे सकें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही, अगर